तो इतने मेथड्स होते हैं एलिप्स ड्रॉ करने के लिए, क्या आपको ये पता था? बस एक काम करो, आप अपने सिलेबस में अभी के अभी चेक करो कि इनमें से कितने मेथड्स आपके सिलेबस में हैं, क्योंकि ये सभी मेथड्स को हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है हाउ टू ड्रॉ एलिप्स, और ये टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग कर्व्स ये यूनिट के अंडर में आता है, और ये फर्स्ट टॉपिक है। इंजीनियरिंग कर्व्स ये यूनिट में नंबर ऑफ टॉपिक्स है, जैसे एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, साइक्लॉइड, एपिसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, इनवोल्यूट, आर्चिमेडियन स्पाइरल, ऐसे नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे हर एक टॉपिक से रिलेटेड हम आपको वीडियो सीरीज देंगे। यहाँ पे फर्स्ट सीरीज एलिप्स की हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एलिप्स होता क्या है, एलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो बुक में लिखा होता है, और वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एलिप्स क्या होता है, किस तरह से दिखता है, क्या उसमें स्पेशलिटीज होती है, कैसे एलिप्स ड्रॉ करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एलिप्स ड्रॉ करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं, आज के वीडियो में हम ये पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एलिप्स क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो एलिप्स के डेफिनेशन की अगर बात करें, एलिप्स का डेफिनेशन आपके सामने है। देखो, एलिप्स को ऐसे डिफाइन किया जाएगा, अलग अलग बुक में थोड़ा दो चार वर्ड जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में कुछ ऐसा ही डेफिनेशन दिया है। तो क्या लिखा है यहां, देखो डेफिनेशन में यहां लिखा है, एलिप्स कैन बी डिफाइन एज अ कर्व ट्रेस आउट बाय अ पॉइंट मूविंग इन द सेम प्लेन एज एंड इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज द सेम। तो ये है वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो जनरली कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के टेक्स्ट बुक में जो लिखा होता है ना, जनरली ये डेफिनेशन लिखा होता है, या अगर आप गूगल सर्च करोगे तो भी आपको जनरली इसी टाइप का डेफिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, चलो यहां पे हम समझते हैं, और एलिप्स का पूरा बेसिक यहां पे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले एलिप्स की अगर बात करें, तो एलिप्स जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, हमने यहां पे एलिप्स एक हमने फिलहाल रफली ड्रॉ किया है, जब हम प्रॉब्लम्स जब हम लेंगे तब हम आपको इसको फेयरली ड्रॉ करके बताएंगे। तो एलिप्स कुछ ऐसा दिखता है, एलिप्टिकल शेप बोलो या एलिप्स शेप बोलो, इसको ओवल शेप भी कहते हैं, ओवल शेप, ठीक है ना। आपने जनरली इसके पहले के लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, ओवल शेप या एलिप्टिकल शेप या एलिप्स शेप, ठीक है। ये एलिप्स ऐसा दिखता है। एलिप्स में दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो क्या है सुनो, एलिप्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है ये लाइन, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, और ये एक दूसरी लाइन, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। हम इसको नाम दे देंगे मेजर एक्सिस ए बी, और ये माइनर एक्सिस सी डी। और ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ज्यादातर प्रॉब्लम में आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है ऐसा नहीं है, कुछ कुछ सिलेक्टेड ऐसे मेथड्स हैं जिनमें ये परपेंडिकुलर नहीं होते, फिर आपको वो इंक्लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम में आपको मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना होता है। ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों जहां पे क्रॉस कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे ओ। अब आप कहेंगे कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ओ एलिप्स का सेंटर हो गया, नहीं, ये ओ एलिप्स का सेंटर नहीं है। बोलने का मतलब यह है कि ये ओ का यूज करके कभी भी एलिप्स नहीं बनता है। जैसे सर्कल की अगर बात करें, तो कोई भी सर्कल जो हम ड्रॉ करते हैं, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम सेंटर का यूज करते हैं, ये जो सेंटर होता है ना, सेंटर का यूज करते हैं। कंपास लेते हैं, कंपास में कुछ भी रेडियस का लेंथ लेते हैं, कंपास का सेंटर सी पे रख के ऐसा हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सर्कल का सेंटर यानी ये सी है ना, बाय यूजिंग दिस सी यू कैन ड्रॉ अ सर्कल, ये आपको पता है। लेकिन बाय यूजिंग ओ आप इलिप्स ड्रॉ कर नहीं सकते, ये इलिप्स ओ से नहीं बनता है, ये ओ इलिप्स का सेंटर नहीं है। तो आप कहेंगे इलिप्स का सेंटर क्या है, तो इलिप्स के सेंटर को कहते हैं फोकस, या फिर बोलो फोसाई, क्या कहा, फोकस, एफ ओ सी यू एस, या फोसाई, एफ ओ सी आई, कुछ बुक्स में एफ ओ सी आई लिखा होगा, तो कुछ बुक्स में एफ ओ सी डबल आई ऐसा लिखा होगा, चेक कर लेना कि आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स के बुक में क्या लिखा है। तो ये फोकस या फोसाई जो है, इसको एलिप्स के सेंटर कहते हैं। बाय यूजिंग दिस फोकस या फोसाई आप आसानी से एलिप्स बना सकते हैं। अब आप कहेंगे अगर ये सेंटर नहीं है तो एलिप्स का सेंटर होता कहां है, मतलब फोकस कहां होता है, तो फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पे होता है। इधर एक फोकस होता है और इधर एक फोकस होता है, इधर जो फोकस है, एक मिनट, इधर जो फोकस है इसको कहेंगे फोकस एफ वन, और इधर जो होता है फोकस इसको कहते हैं फोकस एफ टू, F1, F2, हो सकता है आपको कोई आपके लेक्चरर पूछ सकता है एग्जाम के टाइम पे कि फोकस जो है वो मेजर एक्सिस पे होता है या माइनर एक्सिस पे होता है, तो आपको बताना है कि फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पे ही होता है, माइनर एक्सिस पे कभी भी फोकस नहीं होता।
और एक बात, मेजर एक्सिस को मेजर एक्सिस इसलिए कहते हैं क्योंकि मेजर एक्सिस का लेंथ ज्यादा होता है, माइनर एक्सिस का लेंथ कम होता है, इसलिए उसको माइनर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये फोकस F1, F2 ये मेजर एक्सिस पे ही होते हैं, इधर F1, इधर F2। बाय यूजिंग दिस फोकस यू कैन ड्रॉ एन इलिप्स, मतलब ये फोकस का यूज करके ही आप इलिप्स बना सकते हैं, ठीक है। ये O, ये जो सेंटर O है, O से आप इलिप्स नहीं बना सकते, वहां पे बस मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्रॉस कर रही है, वो कोई इलिप्स का सेंटर नहीं है। इलिप्स का सेंटर है ये F1 एंड F2, समझ गए? ओके, तो ये हमने बता दिया। अब जो डेफिनेशन में लिखा है उसके तरफ चलते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेफिनेशन में लिखा है अ कर्व ट्रेस आउट बाय अ पॉइंट। देखो यहां पे पॉइंट की बात हो रही, कौन सा पॉइंट? यहां पे तो अभी कुछ ऐसा हमने पॉइंट बताया नहीं, तो देखो क्या लिखा है, अ कर्व ट्रेस आउट बाय अ पॉइंट मूविंग इन द सेम प्लेन एज एंड इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज द सेम। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है टू फिक्स्ड पॉइंट्स, और आप अभी के अभी अपने नोटबुक में लिख के रखो, इलिप्स के प्रॉब्लम्स में टू फिक्स्ड पॉइंट्स यानी फोकस होता है। ये जो फोकस है ना, ये फोकस को ही टू फिक्स्ड पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है ना। ये जो टू फिक्स पॉइंट्स की बात हो रही है ना, वो इनडायरेक्टली फोकस की बात हो रही है। फोकस यानी ही टू फिक्स पॉइंट्स, इसका मतलब कर्व के ऊपर, अ कर्व ट्रेस आउट बाय अ पॉइंट, मतलब कर्व के ऊपर कहीं कोई एक पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट पी। देखो हम यहां पे कर्व के ऊपर इधर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, हमने इसको नाम दे दिया पॉइंट पी। कर्व के ऊपर कहीं कोई पॉइंट है, पॉइंट पी, मूविंग इन द सेम प्लेन, मतलब ये जो पी है ये कर्व के ऊपर मूव कर रहा है ना, इन सच अ वे दैट। अब देखो इसके बाद क्या लिखा है, इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, क्या लिखा है, फ्रॉम, सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट्स यानी फ्रॉम द फोकस, सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज ऑलवेज द सेम। मतलब ये है, देखो यहां पे मतलब ये है कि ये जो पॉइंट पी है, एक मिनट यहां पे दूसरा हम पेन ले लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। देखो ये जो पॉइंट पी है, अगर हम ये पॉइंट पी फोकस F1 और F2 से अगर हम ज्वाइन करें, ये देखो अगर ये पॉइंट पी फोकस F1 और F2 से अगर हम ज्वाइन करें, तो आप देख सकते हैं फोकस को हमने तो ये पॉइंट पी हमने फोकस F1 से ज्वाइन करें, तो ये जो लेंथ है ये लेंथ को मान लो L1, ठीक है, और पॉइंट पी जब हमने फोकस F2 से ज्वाइन करें तो ये है लेंथ L2, ठीक है, ये है लेंथ L2। तो ये जो L1 और L2 है उसी लेंथ की यहां पे बात हो रही है। सम, सम यानी एडिशन, सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट्स यानी सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस यानी सम ऑफ L1 एंड L2, L1 और L2 का सम, ठीक है ना, ये लेंथ L1 और ये लेंथ L2, ठीक है ना, ऑलवेज द सेम ऐसा लिखा है। बोलने का मतलब यह है कि ये पॉइंट पी यहां हो या यहां हो या यहां हो या यहां हो, कहीं पे भी हो, ये पॉइंट पी कहीं पे भी हो सकता है। अगर ये पॉइंट पी कर्व के ऊपर कहीं पे भी है तो वो पॉइंट पी दोनों को दोनों फोकस से ज्वाइन करने के बाद, दोनों फोकस को ज्वाइन करके जो दो लेंथ होती है ना L1 L2, उनका अगर आप प्लस करोगे तो लेंथ हमेशा सेम ही निकलता है। और वो लेंथ कितना निकलता है पता है? वो लेंथ हमेशा मेजर एक्सिस होता है, ये बात ध्यान में रखो। वो डेफिनेशन में लिखा नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं, जबकि डेफिनेशन में ये होना चाहिए था, इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज ऑलवेज द सेम एंड इट एंड इज इक्वल टू मेजर एक्सिस, ऐसा आगे होना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा है, तो यहां पे हम आपको बता रहे हैं, ये आप ध्यान में रखो, L1 प्लस L2 का सम हमेशा मेजर एक्सिस होता है। अब ये पॉइंट पी कहीं पे भी हो सकता है, पॉइंट पी अभी यहां पे हमने लिया है, अगर हमने मान लो ये पॉइंट पी जो है वो यहां ले लिया, इधर हमने ले लिया पॉइंट पी, और उसको हमने अगर L1 और उसको अगर हमने F1 और F2 से ज्वाइन करें, तो ये है लेंथ L1, ये है लेंथ L2, तो ये लेंथ L1 प्लस L2 अगर आप करोगे तो L1 प्लस L2 आपका मेजर एक्सिस ही होता है। हमेशा मेजर एक्सिस का लेंथ अगर फाइंड आउट करना है ना, तो इनडायरेक्टली ये एक इक्वेशन है जिसका यूज करके आप मेजर एक्सिस का लेंथ निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का लेंथ दिया होता है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ माइनर एक्सिस का लेंथ दिया होता है या टू फिक्स पॉइंट्स के बीच में का लेंथ दिया होता है, मेजर एक्सिस आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो मेजर एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए आप इस टाइप की इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं, आप इससे आसानी से मेजर एक्सिस का लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब आगे चल के हम इसके जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जब हम इसके सॉल्व करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि मेजर एक्सिस कैसे निकालना। तो फाइनली हमने आपको ये इलिप्स के बारे में
पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी है कि डेफिनेशन में क्या लिखा है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, कैसे मेजर एक्सिस वगैरह निकालते हैं, ये सब बेसिक चीजें हमने आपको बता दी है। अब ये एलिप्स के ऊपर जब आगे चल के हमें टेंजेंट वगैरह ड्रॉ करना रहेगा तो कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम वीडियो में देखेंगे आगे की वीडियोज में, जब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये तो अभी हमने सिर्फ आपको एलिप्स का डेफिनेशन और उसका बेसिक बता दिए। अब ये एलिप्स ड्रॉ करना है तो एलिप्स ड्रॉ करने के लिए नंबर ऑफ मेथड्स है, एलिप्स ड्रॉ करने के मेथड्स। अब आपके सिलेबस में आपको चेक करना पड़ेगा कितने मेथड दिए हैं। देखो आज जो हम मेथड बताएंगे सारे के सारे मेथड्स आपके सिलेबस में हो ये जरूरी नहीं है, कुछ सिलेक्टेड 2-3-4 हो सकते हैं। तो एक बार आप अपने सिलेबस में जरूर चेक करना कि कौन से मेथड आपके सिलेबस में है कौन से नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सीरीज में हम सारे मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब हम आपको बताते हैं मेथड्स टू ड्रॉ एन एलिप्स। एलिप्स ये ड्रॉ कितने मेथड्स के थ्रू ड्रॉ किया जाता है, अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं। तो देखो ये मेथड्स आपके सामने हैं, ये लिस्ट आपके सामने है, कितने मेथड्स दिख रहे हैं, 11 मेथड्स दिख रहे हैं। ये 11 मेथड्स के थ्रू आप आसानी से एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। चलो सभी ये मेथड्स का नाम देखते हैं, अपने सिलेबस में जरूर चेक करो, अभी के अभी आप अपना सिलेबस निकालो और सिलेबस में देखो कि ये कौन सा मेथड आपके इसमें है नहीं है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट मेथड क्या दिख रहा है, फर्स्ट मेथड है आर्क ऑफ सर्कल मेथड, मेथड नंबर वन, जिसमें आपको आर्क वगैरह ड्रॉ करके एलिप्स ड्रॉ करना होता है। सेकंड मेथड है रेक्टेंगुलर मेथड, रेक्टेंगुलर मेथड का दूसरा नाम है ऑब्लॉन्ग मेथड। चेक करना, हो सकता है आपके सिलेबस में रेक्टेंगुलर मेथड लिखा होगा या हो सकता है आपके सिलेबस में ऑब्लॉन्ग मेथड ऐसा लिखा होगा, तो ये एक ऑप्शनल है, ये भी आप ध्यान में रखो। देन थर्ड मेथड होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर मेथड में रेक्टेंगल क्रिएट करके आपको एलिप्स ड्रॉ करना होता है रेक्टेंगल के अंदर में, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड में आपको दो सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है, दो सर्कल के यूज के थ्रू आपको एलिप्स ड्रॉ करना होता है, वो हम बताएंगे आगे। देन नेक्स्ट है पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड में आपको एक पैरेललोग्राम क्रिएट करना होता है और उसके थ्रू आपको उसके अंदर में पैरेललोग्राम के अंदर में एलिप्स ड्रॉ करना होता है, या कभी कभी बाहर में भी पैरेललोग्राम के बाहर से भी ड्रॉ करते हैं। उसके बाद है फोर सेंटर मेथड, फोर सेंटर मेथड में आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना होता है आइसोमेट्रिक व्यू टाइप। आपने इसके पहले अगर हमारे आइसोमेट्रिक व्यू के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा एलिप्स का वहां पे सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वहां पे जो सर्कल ड्रॉ करते हैं ना उसी को कहते हैं एलिप्स बाय फोर सेंटर मेथड, तो वो यहां पे स्टडी करना है। उसके बाद है नेक्स्ट मेथड है फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। देखो इसके तीन नाम है, कुछ अलग अलग बुक में अलग अलग दिए हो सकते हैं। एक नाम है फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड, या हो सकता है आपके सिलेबस में लिखा हो सकता है डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड, या हो सकता है आपके सिलेबस में लिखा हो सकता है इसेंट्रिसिटी मेथड। ये तीनों मेथड इनडायरेक्टली एक ही है, जिसमें आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना पड़ता है ना, आपको वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू आपको एलिप्स ड्रॉ करना होता है। देन उसके बाद है इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड, ठीक है ना, मेथड नंबर 7, जिसमें आपको आर्क की इंटरसेक्शन के थ्रू आपको एलिप्स ड्रॉ करना होता है। देन है स्ट्रिंग एंड पिन मेथड, इसके थ्रू भी जिसमें आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको एक नेल को पिन करना होता है और स्ट्रिंग को आपको आर्क वगैरह के थ्रू आपको एलिप्स ड्रॉ करना होता है, वो भी बताएंगे आगे चल के। देन उसके बाद है ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड है कि नहीं चेक कर लेना, हो सकता है शायद ना हो क्योंकि बहुत कम सिलेबस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रायंगल मेथड होता है। उसके बाद है कॉन्जुगेट मेथड, जिसमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करके आपको एलिप्स ड्रॉ करना है। और सबसे लास्ट में होता है लूप ऑफ थ्रेड मेथड, जिसमें पर्टिकुलर थ्रेड का लूप क्रिएट करना होता है और वो लूप के थ्रू आपको एलिप्स के क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिलते हैं और फिर आप एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने आपको 11 के 11 मेथड्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी है। ये मेथड्स में से कितने मेथड्स, ये ऑप्शनल है, ये जो है ना ये इसका अल्टरनेट नेम है, तो ये ध्यान में रखना। तो इनमें से कितने मेथड्स आपके सिलेबस में है आप एक बार चेक कर लेना, जो भी मेथड्स है आप जो है पर्टिकुलर आगे चल के हम ये सभी मेथड्स के ऊपर वीडियोस बनाने वाले हैं, तो पर्टिकुलर वो वीडियो आप देख के वहां से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मेथड्स है उनमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्क ऑफ सर्कल मेथड से, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, हमारा स्टार्टिंग ये रहेगा जिसमें हम आर्क ऑफ सर्कल मेथड के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेंगे जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ चुके हैं या आ सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो आर्क ऑफ सर्कल मेथड से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 हर एक मेथड के प्रॉब्लम जो है वो हम आगे चल के कवर करेंगे। तो फिलहाल हमने ये आपको सभी मेथड्स बता दिए हैं,
टू ड्रॉ एन इलिप्स। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आपको इलिप्स की पूरी बेसिक जानकारी दे दी है, हमने आपको बता दिया है कि इलिप्स ड्रॉ करने के कितने मेथड्स होते हैं, हमने आपको इलिप्स का डेफिनेशन बताया, हमने इलिप्स के बारे में बेसिक चीजें बताया, कैसे मेजर एक्सिस फाइंड आउट करते हैं उसका रिलेशन बताया, और उसके बाद सभी मेथड्स बताए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां से हमें इनके प्रॉब्लम्स स्टार्ट करना है। और जो भी प्रॉब्लम्स के वीडियोज हम आपको देंगे, वो सभी प्रॉब्लम्स आप अपने ड्रॉइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करके देखना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।